हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं TVS की अपकमिंग बाइक TVS अपाची एडवेंचर की। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये बाइक कब लॉन्च होगी, प्राइस क्या होगा और कौन कौन से फीचर होने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा, TVS ने लास्ट मंथ 2 नवंबर 2020 को कुछ बाइक का ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है, जिसमें TVS फिरो 125, TVS जेपिन आर और TVS राइडर है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी इस पर वर्क कर रही है और बहुत जल्द ये बाइक इंडिया में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी। और ऑटोमोबाइल वेबसाइट की माने तो ये बाइक 2021 में इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हुए दिख जाएगी। TVS फिरो 125 पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे आप क्लिक करके देख सकते हैं। और TVS जेपलिन पे भी वीडियो बना हुआ है, ऊपर पे लिंक आ रहा होगा, ये भी वीडियो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं TVS के एडवेंचर बाइक के बारे में। तो इंडियन मार्केट में एडवेंचर टूरिंग की हाई डिमांड को देखते हुए TVS भी अपनी एक न्यू एडवेंचर टूरिंग बाइक इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस करने वाली है। एक्सपर्ट्स की माने तो इसका नाम TVS राइडर होने वाला है। जो TVS जेपलिन है वो एक क्रूजर बाइक होने वाली है और फ्यूरो 125 एक कम्यूटर बाइक होने वाली है। TVS एडवेंचर बाइक का अभी फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल इमेज या वीडियो लीक या आउट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको भी पता है कि कंपनी इतना जल्दी कुछ भी लीक नहीं करती है। और आप जो फोटो थंबनेल या वीडियो में देख रहे हैं, ये एक अनुमानित इमेज है। TVS राइडर बाइक TVS की 310RR के बेस पे होने वाली है, क्योंकि ये TVS की बेस्ट फीचर और पावरफुल बाइक है, जो पहले से काफ़ी सारे फीचर के साथ लोडेड है। TVS राइडर में आपको सेम 310RR का इंजन मिलने वाला है, बट थोड़ा बहुत इंजन में कुछ काम किया जा सकता है ट्यूनिंग को लेकर, जिससे आपको रिफाइंड ट्यून RT इंजन मिल सके। और जो TVS की 310RR बाइक है, वो TVS और BMW के पार्टनरशिप से बनाई गई है और BMW एक प्रीमियम ब्रांड है, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा माइंड सेटअप हो जाता है कि परफॉर्मेंस और बिल्ड क्वालिटी हमें तगड़ा मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस बाइक से रिलेटेड जुड़े और भी अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा, बट उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपको बाइक रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं बाइक रिलेटेड कंटेंट अपने वीडियो पर लाता रहता हूँ। और अगर आप एक्स्ट्रा हेल्प करना चाहते हैं तो आप अपने 3 फ्रेंड से सब्सक्राइब करने के लिए बोलें और उनसे बोलें कि अगले वो 3 से सब्सक्राइब करवा दें। ये थोड़ा सलमान खान वाले मूवी टाइप का हो गया ना, कोई बात नहीं, अब टॉपिक पे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को भी पता है कि TVS के पास अभी तक ना तो कोई क्रूजर बाइक है और ना ही कोई एडवेंचर टूरिंग बाइक है। TVS मोटर कंपनी के डायरेक्टर NCEO N राधाकृष्णन ने इस साल अनाउंसमेंट भी किया था कि RR310 बेस प्लेटफॉर्म पे आने वाले नेक्स्ट ईयर 2021 में न्यू बाइक लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम शायद राइडर हो सकता है। 2021 में पहले फ्यूरो 125 लॉन्च होगी, उसके बाद TVS की जेपलिन लॉन्च होगी। और अगर RR310 राइडर की बात करें तो ये बाइक 2021 के एंड तक लॉन्च कर दिया जाएगा। RR3 राइडर के इंजन की बात करें तो आपको सेम इंजन देखने को मिलने वाला है जो पहले मिलता था, 312cc का सिंगल सिलेंडर इनलाइन 4 इंजन विद जनरेटर मैक्सिमम पावर ऑफ 34 PS एंड अ पीक टॉर्क ऑफ 27.3 Nm टॉर्क। इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स भी देखने को मिल जाता है। इसमें आपको स्लिपर क्लच के साथ साथ शायद 390 एडवेंचर जैसा ट्रैक्शन कंट्रोल या कॉर्निंग ABS ऐड किया जाएगा। इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट में आपको डुअल चैनल ABS का भी ऑप्शन मिल जाता है। अगर इसके कंपटीटर की बात करें तो KTM 250 एडवेंचर, KTM 390 एडवेंचर, डोमिनार 400, हिमालयन और BMW की G310 GS होने वाली है। TVS राइडर बाइक में आपको जो TVS का ब्रांड स्मार्ट एक्स कनेक्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी आपको इस बाइक में देखने को मिल जाएगा। इसमें आपको राइड बाय वायर सिस्टम के साथ साथ राइडिंग मोड भी देखने को मिल जाता है। राइडर में आपको मल्टी कलर TFT डिस्प्ले वाला इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखने को मिलने वाला है। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में गोल्डन फिनिश में ESD सस्पेंशन मिल जाएगा, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। और रियर में आपको मोनोसेक सस्पेंशन लगा हुआ मिल जाएगा, बट विल हैव अ लॉन्गर ट्रेवल ऑन बोथ एंड्स। व्हील की बात करें तो इसमें आपको एलॉय व्हील देखने को मिलेगा, इसमें आपको स्पोक व्हील देखने को नहीं मिलेगा। लाइटिंग की बात करें तो फुली LED सेटअप देखने को मिलने वाला है, अभी के 310RR से पावरफुल होने वाला है। इसका हैंडल बार अपराइज होगा जैसा कि ट्यूरिंग बाइक में होता है। सीट हाइट थोड़ा सा अपर हो सकता है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा कुशनिंग दिया गया है और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकता है। लगभग 190 से 200 mm तक का ग्राउंड क्लियरेंस आपको इसमें मिल सकता है। इसमें आपको जो सीट है वो पूरा सिंगल पीस सीट मिलने वाला है, स्प्लिट सीट ऑप्शन नहीं मिलेगा।
क्योंकि ये एक एडवेंचर टूरिंग बाइक होने वाला है, तो इसमें आपको कंफर्टेबल ज़्यादा चाहिए होता है। इस वजह से इसमें जो सीट है उसका कुशनिंग थोड़ा ज़्यादा दिया जाएगा, जिससे आपको लॉन्ग राइड पे कोई परेशानी या दिक्कत झेलना ना पड़े। दोस्तों, अगर प्राइसिंग की बात करें तो इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 2,15,000 तक हो सकता है, एक्चुअल प्राइस थोड़ा और भी हाई या लो हो सकता है। दोस्तों, ये थे TVS की अपकमिंग एडवेंचर टूरिंग बाइक के कुछ अपडेट, और आगे जैसे ही अगर आगे भी अपडेट कुछ मिलता है मुझे, तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पोस्ट पे या फिर वीडियो के जरिए अपडेट कर दूंगा। मेरा इंस्टाग्राम का आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं या फिर आपको आपके स्क्रीन पे प्रो करता हुआ दिख जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राइड विद बाइक।